हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद यतीमन। तो चलिए, इस वीडियो में हम मैथ्स के जो है वो क्वेश्चन देखने वाले हैं कि कितने क्वेश्चन के आंसर जो है वो आप लोग एग्जाम में सही करके आए हैं। तो 31 है क्वेश्चन। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का, 2 1 रुपये के सिक्के और 5 पैसे 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की जरूरत है? तो मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पर आंसर जो है फटाफट बताऊंगी, आप लोग आंसर जो है वो मिलान करें। तो यहाँ आंसर होगा 0.50, ठीक है, यानी कि 50 पैसे। रुबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में जो है वो लिया गया समय क्या रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 4 घंटे 25 मिनट। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा 4 गुना। नेक्स्ट देखें, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन करें। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 1/4। उसके बाद जो है, अब यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है, 1/3 और उसके बाद 1/2। तो ये बढ़ते हुए क्रम में है। तो आपके क्वेश्चन पेपर में ये जो क्वेश्चन है वह कौन से नंबर पर है, तो इस चीज़ को आप देखिएगा, ऑप्शन जो है वह भी चेक करिएगा। प्रियदर्शनी ने 4.8 किलो बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 केजी काजू को मिला दिया और इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 300 ग्राम। उसके बाद जो है 36 जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है वह है 5। 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5, तो इसके आगे जो है वो क्या आएगा? विषम संख्या पदों का योगफल। तो ठीक है, यहाँ पर जो है वो 5 आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है? तो घटते क्रम में जो है वो आपको देखना था। इसका आंसर जो है 3 होगा। 10.5, उसके बाद 1.50, फिर 1.055, फिर 1.05, 1.005 और उसके बाद 0.155। नेक्स्ट देखें, 38 है। 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। तो 100 लाख, तो ये बिल्कुल बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। 1 करोड़। 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाए और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाए, तो इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या रहेगा? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा 200। यानी 100 में एक पूर्ण संख्या जो है वो जोड़ दी और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी, तो दोनों का योगफल क्या आएगा? 200 आ जाएगा। कौन सा 3630 का जो है वो एक गुणनखंड नहीं है? तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों को फैक्टर जो है वो देखना था। इसका आंसर जो होगा 3। नेक्स्ट देखें, तो जिस भी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन पेपर है तो वह स्टूडेंट के जो मैथ्स में बहुत अच्छे जो हैं वो मार्क्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है सभी सही आंसर इन्होंने दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वह आयत बन जाता है। यदि एक सम चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वह एक वर्ग बन जाता है। यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हों तो वह एक वर्ग बन जाती है। यहाँ पर नहीं पूछा है। यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है? बिल्कुल नहीं बनती है। आपने जो है वो पतंग देखी होगी, तो इसका जो सही आंसर होगा 3। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त, यानी यहाँ पर जो है एक संख्या गायब है, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर जो है वो आएगा 28, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर माइनस करके जो है वो देख लेते कि जो है ये किसका मल्टीप्लीकेशन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तो तालिका को पढ़िए। तो यहाँ पर जो है तालिका से जो क्वेश्चन आया था, इसका आंसर है 4:1। निम्नलिखित समूह में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं? तो इसका जो आंसर होगा घन, घनाभ, गोला, बेलन। अमिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित करती है, वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? तो यहाँ पर 5 जो है वो आयत बना सकती है। तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों को केवल आंसर ही जो है वो मैच करने हैं, तो फटाफट से जो है वो अपने आंसर जो है वो मैच करते जाएं। आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट है, अधिक कम लंबा छोटा दूर समीप बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं महत्वपूर्ण पूर्व संख्या अवधारणाएं हैं। 48 क्वेश्चन है, गणितीय अधिगम सामग्री। तो इसका जो सही आंसर होगा वह स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है और
कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन टू है, बी और डी दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनको उनकी गलतियों के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण जो है वो क्या है? तो इसका आंसर जो होगा समाज की लिंग संबंधी जो है वो धारणा है। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का प्रयोग करती है, इसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य जो है वो विचारों का बहिर्वेशन है। कक्षाई शोध ये दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? तो इसका सही आंसर होगा गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? तो बहुत ही सरल जो है वो क्वेश्चन था यहाँ पर, इसका आंसर है आर्यभट्ट। एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपए प्रति किलोग्राम बेच रहा है। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया और जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपए लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो केवल ऑप्शन सी सही है। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं? तो इसका आंसर जो है जीन पियाजे की थ्योरी आपने पढ़ी है। बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियां दी गई और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। नेक्स्ट है 56, कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पर जो है वो ए, बी और सी तीनों ही जो है वो सही हैं। यह बच्चे को सृजनात्मक बनने में सहायता करता है, यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, यह निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है। बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है, इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। तो नहीं पूछा गया था, इसका सही आंसर होगा वो हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। तो ये जो है वो बिल्कुल गलत बात जो है वो टीचर के लिए हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी। तो ये क्या होगा? प्रतियोगिताएं जो है इसे क्या होंगी? मजबूत होंगी। 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/10 और 4/6 के बीच में तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो इसका आंसर है भिन्न डिस्क का प्रयोग। संख्या बोध विकसित करने में उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों में उपकरण के कौशल का प्रदर्शन करता है? तो इसका सही आंसर 4 है, विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने यह बताने में सक्षम है कि वह 4 है। तो ये जो है वो आपके मैथ्स के प्रश्न थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न के जो है वो आंसर देखेंगे, कितने जो है वो आंसर आपके सही हैं। तो आप जो है वो बिल्कुल बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि पहली बार आए हैं। थैंक यू।